वीडियो के अंदर करने वाले हैं आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, आर्टिकल, और वो भी सिंपल है, वेरी सिंपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स, बात ये है कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, राइट, आर्टिकल किसे कहते हैं, तो नोट करना, आर्टिकल्स मीन होता है उपपद, 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 धारा भी होता है, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद भी होता है, आर्टिकल मीन अनुच्छेद भी होता है, राइट, ये बात समझ में आ गई। यदि आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल मीन्स क्या होता है, तो आर्टिकल मीन्स उपपद, धारा, अनुच्छेद, राइट। अब बात ये आई कि आर्टिकल कितने होते हैं, राइट, आर्टिकल कितने होते हैं, तो आर्टिकल तीन होते हैं, कितने, तीन होते हैं, ए, एन, द, इन्हें हम बोलते हैं आर्टिकल, क्या बोलते हैं, इन्हें आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक हमारा डिफिनिट आर्टिकल, एक डिफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड है इनडिफिनिट आर्टिकल, राइट, एंड सेकेंड है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल हमारा द होता है, द होता है डिफिनिट आर्टिकल, और इनडिफिनिट आर्टिकल ए ऑब्लिक एन, ये हमारे इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा डिफिनिट आर्टिकल है वो द होता है, और इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। इतनी बात समझ में आ गई कि आर्टिकल तीन होते हैं, ए एन द, आर्टिकल मीन्स क्या होता है, उपपद, धारा, अनुच्छेद। अब आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल हमारा द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल ए ऑब्लिक ए, राइट। इनका यूज कहाँ करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल द और इनडिफिनिट आर्टिकल ए ऑब्लिक एन, इनका यूज कहाँ करते हैं, तो अब इनका यूज देख लेते हैं कि इनका यूज कहाँ करते हैं, राइट। देखो जैसे मैं यूज की बात करूं, यहां पर इनडिफिनिट आर्टिकल, राइट, इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज कहां करते हैं, एक पॉइंट में यहां पर लिखा रहा हूं आपको, पॉइंट, बढ़िया पॉइंट, जब कोई चीज कन्फर्म नहीं होती, कन्फर्म ना हो, जब कोई चीज कन्फर्म ना हो, वहां पर हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। जब कोई चीज कन्फर्म नहीं होती, मतलब कि इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट है, तो वहां पर आपको ए का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, इसका मतलब क्या हुआ कि एक राजा था, एक राजा था, इसका यही तो मतलब हुआ कि एक राजा था। अब जरा सोचो यार कि एक राजा था, हमें कहानियां सुनाई जाती हैं कि एक राजा था, उनकी चार रानियां थी, तो हमें नहीं पता ना कि कितने राजा था, मतलब कि एक राजा था उसकी कितनी रानियां थी, हमें नहीं पता, राइट, पता है कि, जरा सोचो आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, कैसे पता चलता है, आप उससे पढ़ करके पता चलता है ना। तो एक राजा था, यहाँ पर इनकम्प्लीट सिचुएशन है। अब यह राजा पता नहीं कहाँ का है, बस ये पता है कि एक राजा था। तो जब यहाँ पर हमें इस सेंटेंस में इनकम्प्लीट सिचुएशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर आपको ए का यूज करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको दूँ, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट,
इसका मतलब हुआ कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। इसका मतलब ये तो हुआ कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, राइट। अब जरा ये सोचो कि यार एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, हम सो रहे हैं, ठीक है, हम सो रहे हैं, अब आवाज आई कुत्ते की भौंकने की, हम सो रहे हैं और एक आवाज आई कुत्ते की भौंकने की, कुत्ता यार रात में भौंक रहा था, सुबह नींद उठी तो हमने पूछा कि यार कुत्ता कहाँ भौंक रहा था, हमें नहीं पता, बस ये पता है कि रात में कुत्ता भौंक रहा था। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है ना, तो ई डॉग, राइट। जब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको वहां पर ए का यूज करना होता है, ये बात समझ में। बस आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि जब इनकम्प्लीट सिचुएशन हो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको यहाँ पर ए का यूज करना है, राइट। आगे देखते हैं, अब द का यूज कहाँ करते हैं। अब यहाँ पर एन का यूज देख लेते हैं, ठीक है, एन का यूज कहाँ करेंगे। यूजेस ऑफ एन, अब एन का यूज कहाँ करते हैं, जितनी भी ये शॉर्टकट में चीजें लिखी होती हैं, जैसे ए में शॉर्ट में लिखा है, लिखा है बी ए शॉर्ट में लिखा है, एस डी ओ बी डी ओ, ये सब शॉर्ट में लिखे हैं, लिखे हैं शॉर्ट में, जितनी भी चीजें जितने भी वर्ड शॉर्ट में लिखे होते हैं उनका सबसे पहले साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन कर लो। जैसे ये लिखा है एम ए, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि किस तरह लिखते हैं एम ए, ये ए वावेल है तो यहाँ पर आयन आएगा आयन ए में, राइट, क्या आएगा आयन ए में। बी ए तो हम लोग लिखते हैं बी ए, तो ये तो बी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए बी ए होगा। अब बी ए एस डी ओ में क्या होता है, आपको लिखना है एस डी ओ, किस तरह लिखते हैं एस डी ओ, इस तरह लिखते हैं। तो इसमें जो पहला वाला वर्ड है ये वावेल है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एन एस डी ओ। वीडियो में क्या है, आप लिख सकते हो बी डी ओ, लिख सकते हो वीडियो। तो ये जो बा है, ये जो बा लिखा है, मतलब कि जो बी लिखा है, ये कॉन्सोनेंट है तो आप यहाँ पर किसका यूज कर सकते हो अभी। तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस किया कि जितने भी साल्ट में वर्ड लिखे होते हैं, जितने भी साल्ट में वर्ड लिखे होते हैं उनका पहले साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन कर लो, हिंदी उच्चारण कर लो कि ये लिखा गया है, और जो लिखा है उसका फर्स्ट वाला वर्ड देख लो, उनका फर्स्ट वाला वर्ड देखो फटाफट, उसी के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लगाना है, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस आपको दूं, वेट, बहुत सारे वर्ड लिखे होंगे यहाँ पर, जैसे तो ये लिखा गया, ये शॉर्ट में लिखा है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ये लिखा क्या है, एफ ओ ए, ये वावेल है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एन एफ ओ, राइट, लिख सकते हैं एन एफ ओ। जैसे एन सी सी, एन सी सी, एन सी सी, तो एन सी सी ये भी शॉर्ट में नेशनल कैडेट कॉर, तो लिखते हैं एन सी सी, राइट। जिसमें जो ए लिखा है ये तो वावेल है तो मैं यहाँ पर एन लिख सकता हूँ, एन एन सी सी, ठीक है। आगे जैसे आई लिखा है यहाँ पर आई, ये तो आयन आई हो जाएगा, राइट। तो अलग ये पॉइंट समझ में आ गया कि जितने भी वर्ड साल्ट में लिखे हैं उनका सबसे पहले आप साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन करो, उसके बाद देखो कि ये लिखा क्या है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ, हम लोग देखने वाले हैं द का यूज, ठीक है, किसका यूज, द का यूज, यूजेस ऑफ द का यूज कहाँ करते हैं, राइट। द का यूज, द का यूज हम
कंप्लीट इंफॉर्मेशन में करते हैं, क्या करते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन में। यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो आप, सिंपल है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन जैसे द हाउस, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, ये एक सेंटेंस लिखा है, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, ये आर्टिकल लगा है द, द क्या है आर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि घर जिसमें मैं रहता हूँ, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है, इसका ये मतलब हो कि घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। तो भाई सिंपल है, जिस घर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मुझे सब कुछ पता है कि ये घर कैसा है, राइट। और जिस पेन से मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर मुझे ये भी पता है कि ये मैंने कलम, ये पेन मैंने कहाँ से लाया, ये मार्कर जो है ये मार्कर मैं कहाँ से लाया, राइट, पता है ना सबको। तो भाई सिंपल है, जिस घर में आप रह रहे हो या जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो आपको पता है कि उस रूम में क्या है। तो यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है द, आरी बात सुन भाई सिंपल है, आप जिसमें बैठे हो या जिसमें बैठ करके पढ़ रहे हो पता है ना कि उसके ऊपर क्या बिछा है, राइट। तो भाई सिंपल है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सेंटेंस। अगला जैसे दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, आई हैव बॉट, विच आई हैव बॉट, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, इसका मतलब क्या हुआ, यह वही कलम है जिसे मैंने खरीदी है, यह वही कलम है जिसे मैंने खरीदी, जिसे मैंने खरीदी है, राइट, यह वही कलम है जिसे मैंने खरीदी है, यह वही मार्कर है जिसे मैंने खरीदा है, तो मुझे इस मार्कर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो द आया है। कुछ लोग सोच रहे हो यार ऐसे कैसे, अरे यार ऐसा ही होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो द आएगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो ए आएगा, और एन कहाँ आएगा मैंने आपको बता दिया, अब एक पॉइंट बचा है एन में तो वो अभी मैं आपको बता, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, आगे देख अब थोड़ा एन का यूज देख लेते हैं, हालांकि थोड़ा बचा है एकदम कुछ पॉइंट। जैसे आपने देखा कि वावल जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या होते हैं, ये वावल होते हैं, वावल के पहले एन का यूज करते हैं, जैसे एप्पल, एन एप्पल करते हो, एलिफेंट, एन एलिफेंट होता है, इंक पॉट, एन इंक पॉट, राइट, आउल, एन आउल, ठीक है, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, जरा सोचिए ये अम्ब्रेला लिखा, अम्ब्रेला, तो ये आ क्या है वावेल है तो एन आया है, लेकिन इसी में यदि मैं लिख दूं यूनिवर्सिटी, स्टार्ट तो ये भी यू से और स्टार्ट ये भी यू से है, लेकिन ये हम इस तरह लिखते हैं, ये हम लोग इस तरह लिखते हैं, तो यहाँ पर यू है, ये जो यू लिखा है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इस वजह से यहाँ पर ए आएगा, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ए आएगा। और इसमें क्या था, ये जो वर्ड लिखा है ये आ है जो कि वावेल है, तो इस वजह से आए है, नहीं बात समझे, जितने भी वर्ड होते हैं यू से स्टार्ट होने वाले, जितने भी वर्ड यू से होते हैं उनको आप सबसे पहले एक काम करो कि उनका उनको लिख लो कि ये लिखे क्या है, जैसे यूनिक, जैसे ये यूनिक लिखा है, तो यूनिक हम लोग इस तरह लिखते हैं, इस तरह
अक्षरे लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं। तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट, इस वजह से यहाँ पर ए आएगा। यूनिटी, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं यूनिटी यूनिटी, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई यूनिटी, राइट। क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेटर है ना, ये कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से यहाँ पर ये आया। जैसे यूरोपियन, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, वेट, जैसे यहाँ पर लिख दूँ यूरोपियन, यूरोपियन लिखा है। अब देखो ये लिखा तो है ये वावेल है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए, क्योंकि यूरोपियन हम लोग इस तरह लिखते हैं यूरोपियन। अब देखो आ गई ना वही बात, ये क्या है? कॉन्सोनेंट। जब ये कॉन्सोनेंट है, क्या ये कॉन्सोनेंट, अब ये कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, है ना? आ रही बात सुन में? तो एंड का रूल कंप्लीट है ना, हम लोगों ने ए का यूज देख लिया, एंड का यूज देख लिया और द का यूज देख लिया। एंड में एक एच वाला वर्ड आता है, एंड में एक एच वाला वर्ड आता है, जैसे आनेस्ट। बच्चों आनेस्ट में कोई आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, आनेस्ट में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल आता है नाउन में, एडजेक्टिव में नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ आनेस्ट मैन, आनेस्ट मैन, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो एन आनेस्ट मैन, लेकिन वनली आनेस्ट में आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है? आगे बात समझ, क्योंकि यहाँ पर मैन क्या है, नाउन, नाउन की वजह से यहाँ पर एन आ गया है, ठीक है? एन आनेस्ट मैन हो सकता है, लेकिन आनेस्ट में आर्टिकल नहीं है। आगे बात सुनिए, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ प्लूरल नाउन होते हैं जिनमें आर्टिकल नहीं आता, याद रखना प्लूरल वर्ड्स, प्लूरल नाउन्स में, प्लूरल नाउन्स में आर्टिकल नहीं आता, ठीक है? प्लूरल नाउन्स में आर्टिकल नहीं आता, जैसे आंट, आंट सिंगुलर है तो एन आंट हो जाएगा, लेकिन यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ आंट्स तो आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन्स में आर्टिकल नहीं आता। चाइल्ड की यदि बात करें, चाइल्ड, अ चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में प्लूरल नहीं आएगा, सॉरी चिल्ड्रेन में आर्टिकल नहीं आएगा, राइट? ये बात समझ में आ गई? तो आपको नोट करना है कि सिंगुलर में आर्टिकल लगा सकते हो, बट प्लूरल में आर्टिकल नहीं आता, ठीक है? तो ये रही अपन लोगों की आर्टिकल का सेशन। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा कि सिप, सिप में कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एंड द, आपको कमेंट बॉक्स में बताना।